अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद किरण अली। फ्रेंड्स, आज मैं बकरीद स्पेशल सीरीज़ में मटन की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको खाने के बाद आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते ना थकेंगे। तो आए अपनी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी, मटन स्टीम रान रोस्ट। आए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने रान का ले लिया है, बकरे का पूरा मटन का लेग। ये देखें, इस तरह से मैंने इसमें गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं, ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर चला जाए, हमारा चटपटा सा रोस्ट बनके तैयार हो जाए। दही मैंने एक कप लिया है, लहसुन पेस्ट मैंने 2 चम्मच यहाँ लिया है, अदरक पेस्ट भी मैं 2 चम्मच शामिल करूँगी यहाँ पर, और ये पपीता मैंने छिलकों के साथ पीस लिया था, कच्चा पपीता, ये मैंने 3 बड़े चम्मच भर के डाले हैं। लेमन जूस मैं पूरे 1 फुल लेमन को डालूँगी। एक बड़ा लेमन आपने ले लेना है और उसके बीज हटा लेने हैं, बीज नहीं डालिएगा, और पूरी तरह से इसका रस इसमें डाल देंगे निचोड़ के। चिली गार्लिक सॉस मैंने यहाँ 2 चम्मच भर के लिया है, आप इसकी जगह टमाटो सॉस भी ले सकते हैं। काली मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के लिया है। अब हम यहाँ शामिल करेंगे नमक, यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। चाट मसाला यहाँ मैं 1/2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, मेरा चाट मसाला बहुत तेज़ है, इस वजह से मैंने 1/2 लिया, अगर आपका लाइट हो तो आप इसे 1 लें। धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1-1 चम्मच, टिक्का मसाला मैं यहाँ 2 चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ 2 चम्मच शामिल की है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन 2 स्पून, ये मैंने 2 चम्मच तेल शामिल कर लिया। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम ये बनाने जा रहे हैं अपने मटन लेग रोस्ट का मसाला, चटपटा और मज़ेदार। अब मैं इसको इस पर अप्लाई कर दूंगी, सारे लेग पे पूरी अच्छी तरह से लगा लेना है हमने, ये जो हमने गहरे गहरे कट्स लगाए थे इनके अंदर भी, कट्स के अंदर भी इस मसाले को जाना चाहिए, तो आपका गोश्त जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा बन के तैयार होगा। अगर आप कट्स नहीं लगाएंगे तो मसाला अंदर तक नहीं जाएगा। अब क्योंकि मैंने इसमें पपीता शामिल किया है तो वो अच्छी तरह से इस गोश्त को गला देगा। ये देखें, मैंने मसाला अप्लाई कर दिया है सारे उस पर, बहुत अच्छी तरह से मसाला आपने लगाना है इस पर, स्पेशली कट्स पे, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से हमने पूरे लेग पे मसाला लगा लिया है। अब मैं इसे तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए रख दूँगी, आप इसे फ्रिज में रख दें 5 से 6 घंटों के लिए और बिल्कुल भूल जाएं इसे। 5 से 6 घंटों के बाद इसे निकाल कर क्या करना है अब आएँ वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार डिश ये बनने वाली है, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। ये देखें, हमने अपना 6 घंटे तकरीबन इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, अब मैंने इसे निकाल लिया है, हम इसे स्टीम करेंगे। आप अपने स्टीमर में पानी भर लें नीचे, और उसमें 3 मैंने स्टिक शामिल किए हैं दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची डाली है, 1 से 2 लौंग डाल दें, 1 बादियान का फूल डाला है। अब उस पर हम अपना स्टीमर रख लेंगे, उसे ऑयल से ग्रीस कर लें अच्छी तरह से, और हमने अपना ये लेग इसके ऊपर रख दिया है। ये आप सिंपल पैन में भी बना सकते हैं इस तरह से। मैं इसे कवर कर दूंगी, इसके लिड लगा दूंगी, और हम इसे स्टीम होने देंगे। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन 30 से 35 मिनट तक हमने इसे 35 मिनट तक स्टीम दे दिया है। अब इसे मैं इसे बाहर निकाल लूँगी पैन से। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, अगर आप चाहें तो हल्का सा ऑयल गरम करके तवे पे इसे फ्राई कर लें। मैंने क्या किया है, इसे दिया है मैंने इसे बारबेक्यू टच, इसे कोयलों पर थोड़ी देर मैं इसे सेक लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे इस नेट पे रख दिया है, ये ग्रिलर मैंने रख दिया है कोयलों पर, ये देखें इसे मैं थोड़ी देर ग्रिल करूँगी। ये हमारा हो गया तैयार मटन लेग रोस्ट,
बनके बिल्कुल तैयार। ऊपर से मैंने लेमन जूस ऐड किया है इसमें, लग रहा है ना बहुत मज़ेदार, चटखारेदार, इंतहाई लजीज। तो फ्रेंड्स, इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपने ये ट्राई किया तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, बहुत अच्छी सी ईद मनाएं। बकरीद सीरीज़ में मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी, तो प्लीज़ चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब कर दें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। आप सबकी राय मेरे लिए बहुत कीमती होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोई रेसिपी मुझसे पूछें तो मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा सा टेंडर हो गया है हमारा लेग, ये देखें, वाओ मज़ेदार। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।